राज्य के पहले चरण में मतदान 43 विधानसभा क्षेत्रों में होने जा रहा है। आज ईचागढ़ विधानसभा में कल होने वाले मतदान को लेकर चुनाव सामग्री देकर मतदान कर्मियों को बूथों के लिए रवाना किया गया। सरायकेला के एनआर गवर्नमेंट स्कूल से खरसावां विधानसभा के लिए, जबकि सरायकेला और ईचागढ़ विधानसभा के लिए काशी साहू कॉलेज में डिस्पैच सेंटर बनाया गया है, जहां मतदान कर्मियों के बीच ईवीएम, वीवीपैट, कंट्रोल यूनिट और सभी तरह के प्रपत्र देकर उन्हें निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव की जिम्मेदारी सौंपकर बूथों के लिए रवाना किया गया। सरायकेला खरसावां जिले के तीनों विधानसभा सीटों के लिए कुल 1055 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें ईचागढ़ के लिए 342 केंद्र, सरायकेला के लिए 431 और खरसावां विधानसभा के लिए कुल 282 मतदान केंद्र शामिल हैं, जहां तीनों विधानसभा के कुल 885,062 मतदाता प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। इसमें तीनों विधानसभा मिलकर पुरुष मतदाताओं की संख्या 440,501 है, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 444,552 है। वहीं अन्य मतदाताओं की संख्या 9 है। ईचागढ़ में कुल मतदाताओं की संख्या 288,793 है। इसमें पुरुष वोटर 144,788 हैं, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 144,003 है। वहीं अन्य मतदाता 2 हैं। इसी तरह सरायकेला विधानसभा में कुल मतदाता 369,195 हैं। इसमें पुरुष मतदाता 183,420 है, जबकि महिला मतदाता 185,770 है। वहीं अन्य मतदाताओं की संख्या 5 है। इधर खरसावां विधानसभा में कुल 227,074 मतदाता हैं, जिसमें पुरुष वोटर 112,293 और महिला मतदाता 114,769 है, जबकि अन्य मतदाताओं की संख्या यहां 2 है। आपको बता दें कि तीनों विधानसभा मिलाकर कुल 44 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। इसमें ईचागढ़ से 23, सरायकेला से 13 और खरसावां से 8 प्रत्याशी मैदान में हैं। चुनाव जिला अंतर्गत तीनों विधानसभा क्षेत्रों में सुरक्षित, निष्पक्ष और स्वतंत्र माहौल में मतदान के लिए जिला पुलिस द्वारा सभी प्रकार की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसमें तैयारियों को हम लोग दो तरीके से बांट के देख सकते हैं। एक तो पुलिस की तरफ से वो तैयारियाँ जिसमें पोलिंग के दौरान बूथ पे और मतदान केंद्र पे, पोलिंग स्टेशन लोकेशंस में जो जिन भी पुलिसकर्मियों द्वारा या पदाधिकारी द्वारा या होमगार्ड के द्वारा वहाँ पे जिनका सुरक्षा हेतु डेपुटेशन है, उनकी ट्रेनिंग दिलाई जा चुकी है। और दूसरा नक्सल परिदृश्य को लेके, आप जैसा कि आप लोग जानते भी हैं, सरायकेला खरसावां जिला का कुचाई प्रखंड, चौका, थाना, ये थानापुरों में भी नक्सल प्रभावित रहा है। तो इन क्षेत्रों में पोलिंग पार्टीज की सुरक्षित गमनागमन के लिए हम लोगों के द्वारा नक्सल ऑपरेशंस भी चलाए जा रहे हैं। इसी के साथ इसके अलावा जो भी रूट्स हैं तो उन पर आरोपी भी लगाई गई है। इस अभी वर्तमान में हमारे पास CRPF की कुछ कंपनियों के माध्यम से, कोबरा की दो टीमें हैं, झारखंड जगुआर की कुछ टीमें हैं, उनके माध्यम से हम लोग पूरे एरिया को डोमिनेट कराए हैं। पिछले एक महीने से भी सभी जगह एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइज की हुई और हमारी तैयारियां। मैं सरायकेला जिलावासियों से यही अपील करना चाहूँगा कि अपने मताधिकार का बिना भय के मताधिकार का प्रयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग करें और किसी भी प्रकार का भय, लालच या डर यहाँ के अपने मतदान नहीं करें। अगर ऐसी कोई शिकायत आती है तो अवश्य उसके बारे में संबंधित थाना प्रभारी, पुलिस उपाधीक्षक या पुलिस अधीक्षक कार्यालय। सरायकेला खरसावां के सभी मतदाताओं से ये अपील है कि कल 13 तारीख को अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। और आज जैसा कि आप देख सकते हैं कि सरायकेला खरसावां जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्रों का डिस्पैच प्रक्रियागत है और इस क्रम में मेटेरियल का डिस्पैच काशी साहू कॉलेज से और NR प्लस टू स्कूल से हुआ है और EVM का जो डिस्पैच है वो EVM वेयर हाउस से किया जा रहा है। और हम लोग ये आशा करते हैं कि सभी मतदाताओं के सहयोग से और सभी मतदान कर्मियों के सहयोग से जिले में मतदान का प्रतिशत काफ़ी अच्छा रहेगा और इस प्रकार से हम लोकतंत्र के महापर्व में अपनी प्रतिभागिता सुनिश्चित कर सकते हैं।
सभी लोगों ने बहुत अच्छे से प्रशिक्षण लिया है और जो प्रशिक्षण में उन्होंने सीख पाई है या जो पूर्व में भी जो उन्होंने अपने अनुभव से सीखा है उसके आधार पर अच्छे से मतदान कराएं, जो भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश से उनका कर्तव्य अनुपालन सुनिश्चित करें। और इसके साथ साथ इस लोकतंत्र के महापर्व में जुड़ने को लेकर के गौरवान्वित भी हूँ, उनको मेरी शुभकामना। बुथ में भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के आलोक में स्वर्ण मिलों फैसिलिटीज की गई हैं और इसके अलावा वॉलंटियर्स की भी व्यवस्था है और यहाँ पर भी हमारे दिव्यांग मतदाता हैं उनके लिए व्हील चेयर की भी व्यवस्था की गई है, साथ ही साथ एक शेड की भी व्यवस्था की गई है ताकि लाइन लगने की स्थिति में लोगों को धूप में इंतजार ना करना पड़े।